कक्षा 12वीं इकाई 4 सारणिक गणित प्रश्नावली 4 समीकरण सारणिक दिया है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स बराबरी से 0। इसको हल कीजिए। दिए गए पद में लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड दिए गए पद में लेफ्ट हैंड साइड लिया अपन ने ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें हम दोनों पक्षों से हल करेंगे, बराबरी से कितना 0। इस प्रश्न में हम LHS भी लेंगे और RHS भी लेंगे, क्योंकि हमको x की यहाँ वैल्यू निकालनी है, हमको यहाँ प्रूव नहीं करना है 0। तो दिए गए समीकरण 0, इस समीकरण को हल करना मतलब x के क्या बतलाना, मान बतलाना। इसके लिए हम यहाँ एक संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया को ध्यान से समझेंगे। संक्रिया किस प्रकार से होगी हम क्या करेंगे, ध्यान से समझे। संक्रिया में कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और 3 को जोड़ देंगे। ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। यदि हम a प्लस एक्स में a माइनस एक्स को और a माइनस एक्स को जोड़ते हैं तो a धन a 3 हो जाएगा, एक x धनात्मक है बाकी दो ऋणात्मक है तो 3a माइनस एक्स आ जाएगा। दूसरे में भी a धन a 3 आ जाएगा, 2x ऋणात्मक और 1 धनात्मक तो 1 तो घट जाएगा और 1 बचेगा 3a माइनस एक्स। और तीसरे में भी वही आएगा क्या, 3a माइनस एक्स। यानी पहले कॉलम के जो मान आएंगे वो होंगे 3a माइनस एक्स। दूसरे और तीसरे कॉलम में कोई परिवर्तन हम कर ही नहीं रहे, इसलिए यथावत वो ज्यों के त्यों रहेंगे a माइनस एक्स और ये हो जाएगा a प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो, बराबरी से 0। पहले कॉलम के सारे अवयवों में 3a माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ये निकल गया 3a माइनस एक्स कॉमन। अगर इसको कॉमन निकाल लिया तो पहले में बचा 1, 1, 1, दूसरे और तीसरे में कोई अंतर नहीं, यथावत वही अवयव होंगे। a माइनस एक्स a प्लस एक्स बराबरी से कितना 0। अब क्योंकि ध्यान से देखे तो हमारे पास में 1, 1, 1 तीनों में, पहले इसमें 1, 1, 1 आ चुके हैं, तो हम क्या करें, यहाँ एक संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया देखिए, पंक्ति की संक्रिया लगा रहे हैं हम। R1 में से R2 को घटा दो तथा R2 में से R3 को घटा दो। ऐसा करने से ये हो जाएगा 3a माइनस एक्स। पंक्ति नंबर 1 के अवयव में से पंक्ति नंबर 2 के अवयव को घटाना मतलब 1 में से 1 घट जाएगा, a माइनस एक्स में से a प्लस एक्स को घटाना मतलब a का भी साइन ऋण और x का भी साइन ऋण। फिर क्या, a माइनस एक्स को घटाना मतलब a का भी साइन माइनस और x का साइन ऋण ऋण धन। 1 में से इस 1 को घटाना, a माइनस एक्स को घटाना मतलब a तो ऋण हो जाएगा लेकिन x धन हो जाएगा। a माइनस एक्स में से a प्लस एक्स को घटाना मतलब a ऋण और x भी ऋण। तीसरी पंक्ति के अवयव में कोई परिवर्तन आपको नज़र नहीं आएगा और बराबरी से हमारे पास क्या है, 0। इसके हल को देखिए, 3a माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और ये 1। क्या होगा, a से a घट गया ये बचा -2x, a से a घट गया ये बचा +2x। ये a माइनस एक्स यथावत, a से a घट गया x से x घट गया यहाँ बचा 0,
एक्स और एक्स दोनों ऋण है तो जुड़ जाएंगे, ए समाप्त हो जाएगा माइनस टू एक्स ए प्लस एक्स। तो इस तरीके से देखिए, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो वन, ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ए से ए घट गया, एक्स से एक्स जुड़ गया, ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स। तो यहाँ क्या हुआ, ए से ए घट गया, एक्स में एक्स जुड़ गया, टू एक्स। तीसरे पंक्ति के अवयव में कोई परिवर्तन नहीं। अब क्या, ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ए से ए घट गया, एक्स से एक्स भी घट गया तो जीरो, ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, तो एक्स में एक्स जुड़ गया लेकिन ऋण टू एक्स, और ए से घट गया। बराबरी से कितना, बराबरी से जीरो। अब अगर ध्यान से देखें तो इस पहले स्तंभ के सापेक्ष हल निकालेंगे, लेकिन हम जानते हैं जैसा कि इस किसके सापेक्ष, इस एक के सापेक्ष मान को निकालने पर, इस एक के सापेक्ष मान को निकालने पर पूरी सारणी कहला जाएगा। तो हम ये लिखेंगे क्या, 3a माइनस एक्स एक के सापेक्ष, धन ऋण धन क्या होगा माइनस टू एक्स जीरो। यह पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ के अवयव माइनस टू एक्स जीरो, टू एक्स माइनस टू एक्स बराबरी से जीरो। अब इसके हल को देखिए, 3a माइनस एक्स इसके सापेक्ष माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। यदि हम एक 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 पद को ले, क्योंकि दो पदों का गुणनफल जीरो है, हम जानते हैं गुणनफल जीरो तभी होगा जब उसमें से एक पद, उसमें से एक पद अवश्य ही शून्य के बराबर हो। 3a इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है a बराबरी से, यहाँ पर 3a बराबरी से x, ये हमारे को किसकी x की वैल्यू मिल गई। या दूसरी कंडीशन 4x स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, जब हम पक्षांतर करेंगे तो 4x स्क्वायर बराबरी से जीरो, जब हम चार का पक्षांतर करेंगे तो मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबरी से शून्य बटे चार। मान को ध्यान से देखें तो मान हमारे पास, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर तो शून्य आएगा, और शून्य का वर्गमूल भी शून्य आएगा, इसलिए एक्स का जो मान आया शून्य। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, एक्स बराबरी से तीन ए तथा एक्स बराबरी से शून्य। उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।